हेलो गाइस, माय नेम इज दीपांकर एंड अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ। पूरे कंट्री में एंड वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन चल रहा है, तो इस दौरान मैंने सोचा कि यू नो मैं एक वीडियो बनाऊँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड बर्ड फोटोग्राफी के बारे में। तो मैं आज यहाँ पे तीन टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे इंस्पायर करे। मैंने भी काफ़ी यूट्यूबर की वीडियोज़ देखी एंड गूगल में सर्च करा, उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें जो मुझे मिली है मैं भी आगे शेयर करना चाहता हूँ फॉर बिगनर, मेरे जैसे लोगों के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड बर्ड फोटोग्राफी। तो तीन टॉपिक में हम बात करेंगे कि एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स फोटोग्राफी, आपको कौन सा कैमरा सेलेक्ट करना है। एंड सेकेंड हम बात करेंगे कि लेंसेज फॉर बर्ड फोटोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आपको कौन से लेंसेस रखने हैं अपने पास। तीसरा हम बात करेंगे कि आपको वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड फोटोग्राफी की प्रैक्टिस कहाँ करना है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं नियर बाई। तो पहले टॉपिक में हम बात करते हैं कि एज अ बिगिनर आपको कौन सा DSLR सेलेक्ट करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं फॉर द DSLR एंड मिररलेस ऑल्सो। तो अगर आपका बजट अराउंड 50,000 है तो आई विल रिकमेंड यू निकॉन D5600 इंक्लूडिंग द जो आपको किट लेंस भी उसमें मिल जाते हैं 50,000 के अंदर। एंड आपके पास अदर ऑप्शन भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल है लाइक कैनन एंड सोनी। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस निकॉन D5600 में अच्छा रहा है, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग निकॉन D5600 टू यू। एंड हम दूसरी बात करते हैं अब लेंसेज की। आपने अपना किट लेंस ले लिया, DSLR ले लिया, बट आपको करनी है वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड फोटोग्राफी। जब तक आपके पास टेलीस्कोपिक लेंस नहीं होगा लाइक 200, 500 और टैमरॉन का भी आता है इसमें, निकॉन में जो लगता है 150-600 mm, तो मज़ा नहीं आएगा बर्ड्स फोटोग्राफी का। तो ये जो मेरे पास इसका लेंस है तो ये है 200-500 निकॉन का लेंस, जो इसकी फुल हाइट है 500 mm। तो इसको यूज करने के लिए काफी हैवी होता है, इसमें अटैच हो जाता है, बट आपको अपने साथ ट्राइपॉड भी रखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूं। तो ये लेंस आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली। तो निकॉन 200-500 mm की जो कॉस्ट है अराउंड 80,000 समथिंग है, और आपको जो दूसरे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है निकॉन के अटैच हो जाएंगे जो आपके DSLR कैमरे में, वो है टैमरॉन 150-600 mm एंड सिग्मा 150-600 mm। तो टैमरॉन भी आपको इजीली सर्विस सेंटर वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, बट आई डाउट कि सिग्मा का अवेलेबल है सर्विस सेंटर या नहीं मार्केट में। तो हम बात कर रहे हैं अभी लेंस की। अगर आपको अपनी वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करनी है, बर्ड फोटोग्राफी करनी है, तो आपके पास ये लेंस होना जरूरी है। अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आपका बजट इसे अलाउड नहीं कर रहा है, तो मार्केट में आपको इजीली रेंट में भी मिल जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जैसी जगह में पर डे 1000 के अंदर आपको ये सारे लेंसेज आपको मिल जाएंगे जो आपको अपना वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड फोटोग्राफी स्टार्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो हम थर्ड टॉपिक जो बात कर रहे हैं, आपने लेंस ले लिया, आपने कैमरा ले लिया, अब जाके प्रैक्टिस कहाँ करनी है। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो इंडिया इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, तो इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड है, टाइगर्स है, लायन है, हर काइंड ऑफ द वैरायटी। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 500 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड काफ़ी सारी बर्ड्स सेंचुरी है। अगर आप किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपके नियर बाई कोई ना कोई बर्ड सेंचुरी या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवेलेबल होगी। तो आप गूगल में जस्ट चेक कर सकते हैं एंड आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है तो आई फ्रिक्वेंटली गो टू द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी एंड संजयवन, नियर साकेत संजयवन एंड द्रोणाचार्य के पास है अरावली बायोडाइवर्सिटी एंड ओखला बर्ड सेंचुरी। देयर आर ऑल्सो मैनी ऑप्शन इन द दिल्ली NCR ऑल्सो।
सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। और ये तो एक ऐसी चीज है ना, बर्ड फोटोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, अगर आप इसके अंदर घुसते हैं, ट्रस्ट में आपको जिंदगी में लगेगा कि दिस इज अ परफेक्ट थिंग आई एम डूइंग, और आप उसे इतना एंजॉय करेंगे, आपकी इसमें फिजिकल एक्सरसाइज होगी, आपको अच्छा लगेगा धीरे धीरे, और यू विल स्टार्ट कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दिस एंड कीप क्लिकिंग, आपका मन नहीं लगेगा अगर आप फोटोग्राफी ना करें तो। तो ये चीज़ें, अगर आपके आसपास कोई रिजर्व एरिया भी नहीं है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, तो आप अपने घर के आसपास गार्डन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगा कि आपको इसमें मज़ा आ रहा है, देन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जो इंडिया के अंदर हमारे 50 टाइगर रिजर्व है, तो आप सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप क्लिकिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, सो अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कोई भी गलती हुई है या कुछ भी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे मैं इम्प्रूव करूँ, या आप कुछ और चीज़ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। थैंक यू।